ए थीन वायर रिंग ऑफ रेडियस आर कैरीज ए चार्ज क्यू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एल फ्रॉम द सेंटर फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड एंड द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एल ठीक है इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकता है चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए रिंग ऑफ रेडियस आर फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग ठीक है सो एक रिंग है मान लीजिए इस तरह का एक रिंग है ठीक है जिसके ऊपर क्या किया गया चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ठीक है या फिर ये मेटल वायर है अगर मान लीजिए इस पर अगर चार्ज आप क्यू दीजिएगा सो इट विल बी ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द रिंग ये अपने आप ऑटोमेटिकली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसका हो जाएगा ठीक है सो इस तरह से मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है ठीक so है सो इसका रेडियस आर गिवेन है स्मॉल आर या कैपिटल आर कुछ भी ले सकते हैं सो so इसके सेंटर से एक्सिस पर एट ए डिस्टेंस एल ये डिस्टेंस एल ठीक है यहाँ पर कितना फील्ड होगा लेट्स दिस पॉइंट इज पी इस पॉइंट पर फील्ड हमें निकालना है इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं ठीक है so, सो देखिए इसको बनाना कैसे है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे एक स्मॉल एलिमेंट डी एक्स इसके सर्कम पर हम लोग कंसिडर करेंगे ठीक है सो सबसे पहले तो इसको एक्स एक्सिस हम लोग यहाँ लिख देते हैं मान लिया यहाँ पर कोई स्मॉल एलिमेंट डी है ठीक है सो इस डी पर चार्ज हमें निकालना पड़ेगा लेट्स से डैट चार्ज इज डी क्यू सो डी का वैल्यू क्या होगा सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालना पड़ेगा सो so, टोटल चार्ज आपने इसमें दिया क्यू ठीक है और टोटल लेंथ क्या होगा यहाँ पर सर्कम ऑफ द रिंग डैट इज टू पाई आर ठीक है सो ये वैल्यू क्या आ गया चार्ज पर यूनिट लेंथ चार्ज पर यूनिट लेंथ हो सकता है एग्जाम में आपको सीधा सीधा लैमडा दे देगा लीनियर चार्ज डेंसिटी सो उस टर्न में भी हम लोग निकाल सकते हैं या क्यू के टर्म में फॉर्मूला याद रखिएगा और लास्ट में इसको कन्वर्ट कर दीजिएगा ठीक है सो डी क्यू इक्वल टू क्यू बाई टू पाई इंटू क्या हो जाएगा चार्ज पर डी एक्स हम लोग एलिमेंट का लेंथ कितना माने हैं डीएक्स सो ये डी क्यू चार्ज हमारे पास आ गया ठीक है सो so, अब देखिए इस पॉइंट पर हमें निकालना है इस पॉइंट को पी मान लेते हैं ठीक है डिस्टेंस एल गिवेन है सो एल so यहां लिख देता हूं ठीक है ये रेडियस है सो so हमें निकालना कहाँ पर है इस पॉइंट पर सो so, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ना सो डैट इज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यह राइट एंगल ट्राइंगल है सो परपेंडिकुलर बेस सो हैपिटोनिज हो गया सो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यह वैल्यू हमारा आ जाएगा ठीक है सो so, देखिए आपको करना क्या है हम हमेशा बताए हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए प्लस वन कुलम टेस्ट चार्ज जिस पॉइंट पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्लेस कीजिए ठीक है प्लस वन कुलम टेस्ट चार्ज सो so, यहाँ पर प्लस वन कुलम अगर हम लोग पुट करेंगे मान लीजिए रखेंगे यहाँ पर सो so, ये चार्ज भी देखिए हम लोग प्लस माने हैं सो so, अगर ये चार्ज प्लस है ठीक है और यहाँ पर प्लस चार्ज आपने पुट किया है so सो यहाँ पर ये चार्ज जो प्लस वन है प्लस वन कुलम ये क्या फिल करेगा ये रिपल्सन फिल करेगा लाइक like चार्ज रिपेल इच अदर सो so, रिपल्सन अगर फिल करेगा सो so डी का डायरेक्शन क्या होगा एलॉन्ग दिस लाइन होगा सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डी ठीक है अब इसका दो कॉम्पोनेंट होगा इस एंगल को ठीठा मान लेते हैं ये भी ठीठा हो जाएगा सो एलोंग एक्स हो जाएगा आपका डी कॉस्टा डी कॉस्ट थीठा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा दैट इज डी साइन ठीठा ठीक है अब देखिए जब डी कॉस्ट थीठा इलेक्ट्रिक फील्ड को आप ओवर द सर्कम्फेरेंस इंटीग्रेट कीजिएगा सो क्या होगा इस तरह का कई एलिमेंट इसमें होगा जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक स्मॉल एलिमेंट जस्ट इसके अपोजिट मान लेते हैं 180 डिग्री अपोजिट ठीक है यहाँ पर सो so इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सेम इस तरह से हो जाएगा डी ठीक है सो so, इसका वर्टिकल कंपोनेंट अगेन अगेन डी साइन हो थीटा होगा ठीक है सो देखिए डी साइन थीटा कैंसिल हो गया ठीक है तो so, इसी तरह जो भी आप डी एक्स एलिमेंट इस पर लीजिएगा उसका जस्ट वन एट्टी डिग्री अपोजिट डी सॉरी डी एक्स जो होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल कर देगा सो डी कॉस्ट थीटा को जब इंटीग्रेट करेंगे ओवर द सकम सो इसका सारा वर्टिकल कंपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा ठीक है ठीक so, है सो बचेगा क्या हमारे पास ऑर्जेंटल कंपोनेंट सो सिर्फ और सिर्फ डी कॉस्ट डेटा को हमें इंटीग्रेट करना है ठीक है अगर मान लीजिए यही चार्ज निगेटिव अगर रहेगा इस पर अगर मान लीजिए निगेटिव चार्ज है ठीक है so, सो फर्क क्या पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का इस पॉइंट पर ठीक है सो जैसे यहाँ पर पॉजिटिव है निगेटिव हमने रखा सो so, माइनस चार्ज होगा डी पर ठीक है लेकिन टेस्ट चार्ज आपको प्लस वन कुलम ही यहाँ पर रखना है तो टेस्ट चार्ज को ये क्या करेगा अपनी ओर अट्रेट करेगा सो डायरेक्शन ऑफ डी क्या हो जाएगा ये वाला हो जाएगा ना सो so अगर इसको थीटा मानिएगा सो so डी साइन थीटा ऊपर की तरफ होगा ठीक है और डी का थीटा डायरेक्शन ये वाला हो जाएगा ठीक है सो so अगर इस रिंग पर निगेटिव चार्ज होगा सो so नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निगेटिव एक्स होगा अगर इसको एक्स मानिएगा सो so निगेटिव एक्स मीन्स माइनस आई कैप होगा ठीक है अगर इसको पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा प्लस आई केफ अगर वेक्टर फॉर्म में आंसर गिवन है तो सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है सो नो इशू दोनों में सेम आएगा ठीक so so है सो दिस इज सो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं ई क्या हो जाएगा इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी कॉस्टिटर ठीक है सो डी का वैल्यू लिखिए वन बाई फोर फाइव सेलन नॉट और डी वन बाई फोर फाइव सेलन क्यू बाई आर स्क्वायर होता है सो so चार्ज कितना लेना होगा दैट इज द चार्ज ऑन डी एक्स सो इसको हम लोगों ने डी क्यू माना है सो डी क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर सो so, इस चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है ये वाला है ना सो इज रूट ओवर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे हम लोग ठीक है ये हो गया इंटू कॉस्ट थीटा सो कॉस्ट थीटा का वैल्यू इस ट्राइंगल में क्या होगा कॉस्ट थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज सो एल बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर यही वैल्यू होगा ठीक है सो so, पुट कर दीजिए एल बाय रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ये हो गया ना ठीक है सो so, मल्टीप्लाई कर देना है सो so, देखिए ई e का वैल्यू इट इज़ अब इसको इंटीग्रेट करते हैं सो इंटीग्रेट करेंगे कैसे हम लोग इसको थ्रू आउट द सर्कम्फेरेंस सो एक स्टेप और लिख देते हैं सो वन बाई फोर फाइव सेवन नोट हो जाएगा ये ठीक है देन डी क्यू का वैल्यू देखिए क्या है क्यू बाई क्यू बाई टू पाई आर ठीक है इंटू डी एक्स ये वैल्यू हमने पुट कर दिया अब इसको सॉल्व कर सोल्व करिए सो ये क्या होगा एल बाई और यहाँ स्क्वायर करेंगे सो so रूट हट जाएगा और यहाँ पर रूट है सो पावर हाफ हो गया इसका और यहाँ पावर वन सो थ्री बाई टू सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ठीक है ये हमारे पास आ गया e का वैल्यू अब इंटीग्रेशन करना है सो so इसमें वेरिएबल क्या है एल गिवेन है एट ए डिस्टेंस एल निकालना है सो so ये फिक्स हो गया आर भी फिक्स है सो बचा क्या वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ डी एक्स सो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करेंगे डी एक्स को जीरो से टू पाई आर ओवर द सर्कम्फेरेंस ठीक है सो so, इस वैल्यू को फिर से लिखते हैं हम लोग देखिए वन बाई कितना हो जाएगा एट देन पाई स्क्वायर एफसेलन नॉट आर ठीक है क्यू भी बाहर ले लिया हमने ठीक है एल है एल को भी बाहर लीजिए ठीक है देन इसको भी बाहर लीजिए सो so, क्या हो गया आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ठीक है और इंटीग्रेशन के अंदर हम बच जाएगा जीरो से टू पाई आर देन डी एक्स सो डी एक्स को इंटीग्रेट कीजिएगा एक्स आएगा dx को इंटीग्रेट करेंगे एक्स आएगा और एक्स का वैल्यू टू पाई आर पुट कर देना है सो ठीक है सो ये क्या हो जाएगा क्यू इन टू एल डिवाइड बाई एट पाई स्क्वायर एफ सर नॉट आर देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ठीक है और dx का वैल्यू क्या होगा इंटीग्रेट करने पर x आएगा सो तो x का वैल्यू टू पाई आर पुट कर दीजिए ठीक है अब इसको सॉल्व करना है सॉल्व करके लिखते हैं सो सॉल्व करिएगा वैल्यू ईक्वल टू क्यू एल बाई फोर पाई एक्स एल नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ये आपका आंसर होगा ठीक है अगर चार्ज क्यू और रेडियस आर की वेन है एट ए डिस्टेंस एल आपको निकालना है ठीक है अब मान लीजिए अगर लेमडा के टर्म में पूछेगा लेमडा के टर्म में सो लेमडा क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी डैट मीन्स लेमडा का वैल्यू क्या हो जाएगा अगर चार्ज क्यू मानते हैं सो क्यू बाई टू पाई आर ओके सो क्यू को क्या करिएगा यहाँ पर रिप्लेस कर दीजिएगा क्यू की जगह पर आप लेमडा टू पाई आर पुट कर दीजिएगा सो so जब क्यू की जगह पर लेमडा टू पाई आर फुट कीजिएगा सो ये वैल्यू देखिए क्या हो जाएगा मैं इसे पुट करता हूँ और कैलकुलेट करता हूँ ठीक है सो so जब लेमडा गवेन रहेगा लीनियर चार्ज डेंसिटी सो डैट इज क्यू बाई टू पाई आर ठीक है सो so, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा लेमडा टू पाई आर इसको रिप्लेस कर दीजिएगा कट so, के कुछ इस तरह का आंसर आपके पास आ जाएगा ठीक है और डायरेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर वेक्टर लगाना है सो so, अगर इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग का दिया रहेगा सो so हम लोग यहाँ पर लिख देंगे आई कैप ठीक है इसमें भी क्या हो जाएगा आई कैप मीन्स पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इसका वैक्टर का डायरेक्शन अगर वैक्टर के टर्म में इसको लिखना है तब ठीक है अगर अदरवाइज मैग्नीट्यूड अगर पूछा है सो so आई को हटा देना है वैक्टर साइन को हटा देना है ई इक्वल टू क्यू एल बाई फोर बाइव सेवन नॉट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ये आंसर होगा ठीक है अब नेक्स्ट पार्ट इसमें है कि एट ए डिस्टेंस एल हमने फील्ड निकाल लिया सो so सेंटर से इसके सेंटर से कितने डिस्टेंस पर कितने डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा मीन्स ई मैक्स कहाँ पर होगा ये आपको निकालना है ठीक है मीन्स एल यहाँ पर वेरिएबल हो जाएगा और एल को आपको इन टर्म्स ऑफ इसका रेडियस निकालना है ठीक है ओके okay. सो फाइंड द मैक्सिमम स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड एंड द कारस्पॉन्डिंग डिस्टेंस एल ठीक है मीन्स एक्सिस पर कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा सो मैक्सिमम के लिए क्या करना है सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है ठीक है सो यहाँ पर एल वेरिएबल हो गया ये वेरिएबल हो गया सो so इसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे सो डी बाई डी एल निकालिए ठीक है सो डी बाई डी एल जब हम लोग निकालेंगे तो so इसमें कुछ कॉमन ले लीजिए क्यू बाई फोर पाई एफ सेल नॉट कॉन्स्टेंट रह जाएगा ऐसे ही ले, ले लेना बाहर देन डिवाइड बाई सो so, नीचे वाले क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं सो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री हो जाएगा थ्री बाई टू स्क्वायर कर दीजिए अब सबसे पहले नीचे वाले को ऊपर लिख दीजिए आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर देन पावर थ्री बाई टू देन एल यहाँ पर देखिए एल है सो डी एल बाई डी एल क्या हो जाएगा वन हो जाएगा डिफ्रेंशिएसन देन माइनस एल को ऐसे ही लिख दीजिए फिर नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डैट इज पावर थ्री बाई टू सो सबसे पहले क्या हो जाएगा थ्री बाई टू देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू माइनस वन सो डैट इज हाफ देन फिर इस फंक्शन के अंदर में जाइएगा सो आर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा कॉन्स्टेंट है एल स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट कीजिए सो टू एल ये हो जाएगा ठीक है ब्रैकेट क्लोज ठीक है अब इसको सॉल्व कर देना है सो फॉर फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा एंड मिनिमा क्या करना है डी ई बाई डी एल को जीरो से इक्वेट कर देना है क्यों क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वहीं पर होगा जहां पर टेंजेंट का स्लोप जीरो होगा मीन्स ये हॉर्जेंटल होगा ठीक है ना इज द मैक्सिमम वैल्यू इस तरह से ठीक है सो so हमें इसलिए क्या करना है इसको जीरो से इक्वेट कर देना जब आप टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़िएगा कैलकुलस में सो देखिएगा दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है ठीक है सो so किसी भी कर्व पर मैक्सिमम वो पॉइंट होता है जहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो होता है ठीक है सो डी बाई डी एल को जीरो से इक्वेट कीजिए सो ये भी जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये सारा जीरो में मल्टीप्लाई होगा इसको जीरो में मल्टीप्लाई करिए इसको जीरो वैल्यू जब पुट करेंगे सो तो ये क्या होगा जीरो से मल्टीप्लाई होगा और जीरो में इससे डिवाइड कीजिएगा सो तो ये सारा जीरो ही आएगा बचेगा सिर्फ इसको इसको इक्वेट कर देना है ठीक है सो इक्वेट करिए सो डैट इज आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू इक्वल टू एल इंटू थ्री बाई टू ठीक है देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर हाफ इंटू टूवेल्व सो देखिए टू टू तो ऐसे कैंसिल हो गया ठीक है अब देखिए पावर हाफ़ है इसको अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके क्या होगा थ्री बाई टू माइनस हाफ होगा सो डैट इज टू बाई टू सो इट इज़ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर डैट इज इक्वल टू थ्री एल स्क्वायर ओके सो इसका मतलब आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा टू एल स्क्वायर ओके सो हमें एल का वैल्यू निकालना है सो एल स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ से डैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई टू ठीक है सो so एल का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस आर बाई रूट टू सो एल इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई टू आर बाई रूट टू एल इक्वल टू प्लस माइनस आर बाई रूट टू डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा मीन्स अगर ये रिंग था ठीक है सो इससे एल इक्वल टू आर बाई रूट टू राइट हैंड में इस साइड में देन बैक में क्या हो जाएगा एल इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू अगर इसको हम लोग ऑरिजिन मानेंगे तो ठीक है दिस इज वाई दिस इज एक्स ठीक है सो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है दोनों साइड आपका मैक्सिमम सेम डिस्टेंस पे आपको मिलेगा ठीक है सेम डिस्टेंस पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा ठीक है सो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा ई मैक्स सो ई मैक्स निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे एल का वैल्यू आर बाय रूट टू पुट कर देंगे किसमें पुट करेंगे एल का वैल्यू आर बाय रूट टू इसमें पुट करेंगे ठीक है सो एल का वैल्यू आर बाय रूट टू पुट करते हैं सो so, ये क्या हो जाएगा क्यूएल डिवाइड बाई फोर पाई एफसेलन नॉट देन एल का वैल्यू आर बाई रूट टू फूट करके इसको स्क्वायर करिएगा सो आर स्क्वायर बाई टू हो जाएगा ना सो डैट मीन्स थ्री आर स्क्वायर बाई टू का पावर थ्री बाई टू ठीक है ये हो गया ठीक है अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे देखिए सबसे पहले थ्री को जो है ना पावर थ्री को अंदर ले जाइए ठीक है सो पावर थ्री को जब अंदर ले जाइएगा सो ये क्यूएल रह जाएगा फोर पाई एव नॉट रह जाएगा ठीक है और इन साइड आने पे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री कितना हो जाएगा ट्वेंटी सेवन हो जाएगा डिवाइड बाई टू इंटू टू इंटू टू एट हो जाएगा ठीक है और ये क्या हो जाएगा आर का पावर टू था सो आर का पावर सिक्स हो जाएगा ठीक है और पावर हाफ हो गया अब इन सभी चीज़ों का क्या करना है रूट ले लेना है ठीक है सो मैं यहाँ लिखता हूँ ठीक है सो डैट इज ql डिवाइड बाई फोर पाई एफ सेवन नॉट ठीक है और उसका ट्वेंटी सेवन का रूट लीजिएगा सो कितना होगा थ्री रूट थ्री डिवाइड बाई एट का रूट लीजिएगा सो एट का रूट कितना हो जाएगा टू रूट टू ठीक है और आर का पावर सिक्स तो ये आर क्यूब हो जाएगा ठीक है अब क्या करना है इसको सॉल्व कर देना है सो so, सॉल्व करिए ठीक है सो इट इज़ क्यू इन टू एल देखिए टू से कितने बार में गया ये टू बार में गया ना सो थ्री इंटू टू सिक्स हो गया ना सो डैट इज सिक्स रूट थ्री पाई एफ सैलेंट नॉट आर क्यूब ठीक है और ये रूट टू कहाँ होगा ये रूट टू आपका ऊपर चला जाएगा ठीक है सो so, कैलकुलेशन एक बार चेक करना है फिर से ठीक है ठीक है और यहाँ पर भी एल का वैल्यू पुट करना पड़ेगा आर बाई रूट टू सो रूट टू रूट टू कैंसिल हो जाएगा ना सो so, ये आंसर जो आपके पास आएगा डैट इज ई मैक्सिमम ई मैक्स मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ई मैक्स इज इक्वल टू डैट इज क्यू इन टू आर डिवाइड बाई सिक्स रूट थ्री पाई एफ सैलन नॉट आर क्यूब ठीक है सो फिर आर से कैंसिल हो गया सो इट इज़ आर स्क्वायर सो इट इज़ क्यू बाई क्यू बाई सिक्स रूट थ्री पाई एफ एल नॉट आर स्क्वायर ठीक है क्यू बाई सिक्स रूट थ्री पाई एफ साल नॉट आर स्क्वायर ठीक है ये इसका वैल्यू होगा मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस एल इक्वल टू आर बाई रूट टू ठीक है और किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा एल इक्वल टू आर बाई रूट टू डिस्टेंस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा ठीक है सो so, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछा है सो आई जे के लगा देना है इसमें जिस डायरेक्शन में देख लीजिए रिंग को प्लेस किया हुआ है ठीक है रिंग का प्लेसमेंट देख के किस ऑरिएंटेशन में है अकॉर्डिंगली आप एक्सिस जो है उसका यूनिट वेक्टर लिख दीजिए ठीक है फिगर आपको एग्ज़ाम में दिया रहेगा अगर आई के फॉर्म में जे के फॉर्म में K के के फॉर्म में अगर पूछेगा तब ठीक है अदरवाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल के छोड़ दीजिए